नमस्कार, विभु ने समाचार में आपका स्वागत है। सदन नहीं चलने से नाराज हुए लालकृष्ण आडवाणी। नोटबंदी को लेकर लोकसभा की कार्यवाही गत 13 दिन से ठप होने के कारण भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी मंगलवार को बुरी तरह से नाराज हो गए। उन्होंने इसके लिए सरकार और विपक्ष दोनों को जमकर फटकार लगाई। शून्यकाल के दौरान जब दोपहर में 12:45 पर सदन की कार्यवाही स्थगित हुई तो आडवाणी ने पास खड़े सदस्यों से जानना चाहा कि कितने बजे तक के लिए सदन स्थगित हुआ है। इस पर उन्हें बताया गया कि सदन 2 बजे तक के लिए स्थगित हुआ है। इस पर आडवाणी भड़क उठे। उन्होंने तमतमाते हुए जोर से कहा कि यह बहुत लज्जाजनक बात है, लोकसभा अध्यक्ष सदन नहीं चला रही हैं और संसदीय कार्य मंत्री भी सदन नहीं चला रहे हैं, सदन अपने आप से ही चल रहा है। आडवाणी के इस तरह नाराज होने से वहां मौजूद संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार के हाथ पांव फूल गए। उन्होंने पत्रकार की मौजूदगी का हवाला देते हुए धीरे बोलने का अनुरोध किया। इस पर आडवाणी ने कहा कि वे बाहर सार्वजनिक रूप से यह बात कहेंगे। बाद में संसदीय कार्य राज्य मंत्री SS अहलूवालिया उन्हें मनाकर सदन के बाहर ले गए। हालांकि संवाददाताओं से बातचीत के दौरान अनंत कुमार ने कहा कि आडवाणी विपक्ष के रवैये के कारण सदन नहीं चलने से नाराज हैं। इससे पहले आडवाणी ने सदन में शोर शराबा जारी रहने और काम नहीं हो पाने पर सूचना प्रसारण एवं शहरी विकास मंत्री M वेंकैया नायडू से अनौपचारिक रूप से वेतन नहीं लेने की बात कही थी। बाद में वेंकैया नायडू ने आडवाणी के गुस्से के बारे में कहा कि यह एक वरिष्ठ सांसद एवं राजनेता का क्षोभ है। दूसरे, नोटबंदी के मुद्दे पर शीतकालीन सत्र में कामकाज पूरी तरह ठप है। दोनों ही सदनों में गतिरोध नहीं टूट पा रहा है। राज्यसभा में जहां विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति की मांग कर रहा है, जबकि लोकसभा में विपक्ष नियम 184 के तहत चर्चा कराने की मांग पर अड़ा है। उल्लेखनीय है कि 16 नवंबर से शुरू हुआ संसद का सत्र 16 दिसंबर तक चलेगा। संसद के 14 दिन हंगामे की भेंट चढ़ चुके हैं। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ और प्रमुख खबरों पर। लोकसभा में VK सिंह ने कहा, जेलों में बंद भारतीय कैदियों के सत्यापन को तैयार नहीं पाकिस्तान। इसरो की एक और कामयाबी, रिसोर्स सेट 2A सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित। भूकंप से थर्राया इंडोनेशिया, 50 से ज्यादा लोगों की मौत। मैड डॉग के नाम से चर्चित मैटिस को डोनाल्ड ट्रंप ने रक्षा मंत्री बनाया। रूस के सैनिक सलाहकार की अलेप्पो में मौत। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।